सर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा हमारा गाना शूट करने में। एंड हमारा गाना एक्चुअली हमने डेट हमें पोस्टपोन करनी पड़ी थी हमारे एक सॉन्ग्स की बिकॉज ड्यू टू वेदर रीजंस। सो थोड़ा सा वहाँ एक इशू हुआ था हमको, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द शूटिंग वॉज वेरी गुड। हमने आई गेस बहुत 5-6 डिफरेंट लोकेशन में गाना शूट किया है वाला, एंड सब लोकेशन बहुत अच्छी थी, हमारी टीम बहुत अच्छी है एंड बहुत ही सपोर्ट किया सब ने। तो आपके रिजल्ट आपके सामने आज आपको। सो ये मेरा पहला म्यूजिक वीडियो है एंड एज एन एक्टर एज एन आर्टिस्ट जो एक फीलिंग आती है काम करने में वो तो डेफिनेटली आई, एंड इतनी अच्छी टीम की वजह से जो केयर हुआ, एक जो सपोर्ट मिला हर काम में, हर एक शॉट देने में बहुत अच्छा था। और ऐसा नहीं कि अगर हमें रीटेक लेने पड़े वैसा कुछ है, तो बहुत ही स्मूथली सारा शूट हो गया था। सर ये मेरा पहला म्यूज़िक वीडियो, से पहले मैं 3 वेब सीरीज़ करी हुई हैं, एक नेटफ्लिक्स पे, एक फ्लिपकार्ट पे, एड्स कर रखी है मिंत्रा वगैरह की। बट दिस इज़ माई फर्स्ट म्यूज़िक वीडियो एज एन एक्टर एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी फॉर द सेम एंड आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो ऑल्सो। सर जैसे आपको मैंने बताया कि हमारा डेट्स का थोड़ा सा इशू हो गया था बिकॉज वी वर हैविंग सम अदर कमिटमेंट्स ऑन द डेट्स वी हैव शॉट ऑन and we had to postpone the shoot due to weather conditions over there. It was raining heavily over there, so we had to just adjust the day. So that's the only issue we faced. And Jyota ke sath jo aapka kaisa chemistry hai? She's a very great artist, she's a very good actor. Unhone bhi bahut support kiya aur bahut hi, aapne shots dekhe hain kaise aaye, itne acche shots aaye, matlab I'm also very pleased we have humne itna acha gana shoot kiya hai. हाँ डायरेक्टर इज़ अ सुपर्ब डायरेक्टर, आई एम टेलिंग ऑनेस्टली। आई हैव डन वेब सीरीज इससे पहले भी, लेकिन जो मतलब इतने फ्रेंडली बिहेवियर है उनका एज अ डायरेक्टर ऑल्सो, आई एम टेलिंग लाइक दैट, बहुत ही स्मूथली, और इतने आपको समझाते हैं कि आपको शॉट ऐसे देना है, यू नो यू हैव टू ऐसा मूवमेंट देना है, बहुत ही कन्विंसिंग काम होता है ऐसे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर कैलाश प्रोडक्शन के साथ, ये मेरा पहला काम है, भगवान करके तो बहुत और काम भी आएंगे हमारे साथ में, लेकिन बहुत अच्छे प्रोडक्शन हाउस है, बहुत अच्छी टीम है, सब चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत ही मज़ा आया काम करने में। वो प्रोड्यूसर हैं, स्टाइलिश और दोस्त भी हैं अब तो हमारी, और वो बहुत ही मतलब उन्होंने एज एन अपना समझ के पूरा काम करवाया साथ में। सर एक तो पहले पॉपी सॉन्ग है एकदम, बहुत ही कैची है, मतलब जैसे मैंने सुना तो मेरे दिमाग में बैठ गया था गाना ही कि मतलब तू लग जा गले, इट्स अ वेरी कैची म्यूजिक एंड वेरी कैची लाइन इट्सेल्फ, द हुक लाइन इज़ वेरी कैची एंड इस सॉन्ग में केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, डांस बहुत अच्छा है एंड एक अलग सी एक मस्ती सी है, नखरे में है मस्ती भी है, तो वही एक इसका USP है। हमेशा से ही आपने ऑडियंस को वादा किया कि हम हर बार कुछ यूनिक लेके आएंगे, तो पिछली बार हम आप लोगों ने देखा है कि सावन का हमने एक अलग सॉन्ग लेके आए थे भोले बाबा का, और हम एकदम इस बार बहुत ही हटके पॉपी सॉन्ग जो आज की जनरेशन इतना पसंद करती है ऐसे सॉन्ग्स, तो वो सॉन्ग्स हम लेके आए हैं। और तू लग जा गले ये बहुत ही रोमांटिक भी है, नखरे वाले भी हैं, आपने देखा को एक्टर लोग कितना अच्छा, लाइक आई एम सो हैप्पी क्योंकि इन दोनों की जोड़ी केमिस्ट्री इतनी अच्छी हुई है, और ये एक इतने प्यारे लोकेशन पे हम लोगों ने शूट किया है, और ये इतना खूबसूरत सॉन्ग है, इसके पीछे पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी है क्योंकि बारिश का टाइम था, इतना हम लोगों को टेंशन था कि हम लोग कैसे करके शूट कर पाएंगे, बारिश हो जाएगी तो, क्योंकि आप लोगों ने ये गाना तो अभी सब लोगों ने देख ही लिया है, तो कितने अच्छे अच्छे लोकेशन आप लोगों को दिखाई दिए हैं, तो ये एक बहुत टफ काम था। हम एवरी डे गॉड से प्रे करते थे क्योंकि आज बारिश ना हो, तो दैट इज़ वेरी टफ एंड चैलेंजिंग, एंड भगवान ने भी हमारी सुनी, और बाकी हमारे ब्रदर जो ऑनर हैं कलश प्रोडक्शन के और डायरेक्शन DOP हमारे सुमित जी बैठे हैं, DOP हैं, तो देन बाकी चीज़ें इनसे पूछ सकते हैं। कैलाश ये हमारे कैलाश जी तो यही हैं, हमारे भोले बाबा तो यही हैं। सबसे पहले हर हर महादेव, सब हर हर महादेव। इसमें लोकेशन के लिए हमें बहुत प्रॉब्लम आई थी, लोकेशन हम देखने गए थे पहले, फिर आगे गए थे वापस लोकेशन के लिए, बारिश उस टाइम जब हम शूट करने जा रहे थे तो बारिश बहुत हो गई थी, हम वेदर देख रहे थे तो बारिश बहुत दिखा रहा था, हमारा पहले डेट फिक्स हो चुकी थी कि हम ये तारीख को करेंगे शूट, तो वो डेट को इतनी बारिश थी तो हम डेट फिर पोस्टपोन किया था हमने, फिर दूसरी बार हम शूट करने गए थे, लोकेशन अच्छी है, अच्छा मतलब शूट अच्छा हुआ है, और हमारे डायरेक्टर सर तो इतने मस्ती खो रहे हैं, मतलब हम सब लोग इतने स्ट्रेस में होते हैं, बट ये इतने अच्छे एंटरटेनर भी हैं,
हमने तो सोचा है एंटरटेनर ऑफ द ईयर का खिताब हम हमारे सुमित सर को ही देने वाले हैं, क्योंकि ये होते हैं तो सारे टीम आर्टिस्ट सब लोग हम लोग हंसते भी रहते हैं, स्ट्रेस में भी लाइक ये हमें लाइक बहुत बूस्ट और मोटिवेट करते हैं। कैसे दिन चला गया तो पता ही नहीं चलता है। देख कॉन्सेप्ट तो ये डांस पॉपी नंबर जैसे सबने बताया था, पॉपी नंबर था तो वही जोन हमने पकड़ के, कोरियोग्राफी भी हमने वैसे ही प्लान की थी कि एक पॉपी एक मतलब एक नया जनरेशन हर बार वो गाए डांस करे उस हिसाब से हमने प्लान किया था। और शूट के टाइम तो वेदर तो वैसे ही था, हम अभी भी याद है जब हम फर्स्ट शॉट ले रहे थे प्लेन के यहाँ पे बारिश आ रही थी, हम छाता लेके लिए रुक जा भाई शूट करना है, तो ये वाला था। बट दोनों आर्टिस्ट बहुत मैंने कहा बहुत कोऑपरेटिव, और हम लोग आज बहुत मिस कर रहे हैं ज़ोइता चैटर्जी को जो हमारी इस गाने की फीमेल आर्टिस्ट है। सब मेडिकल इशू होने के कारण वो आज हमारे साथ में मौजूद नहीं हो पाए, बट उन्होंने बहुत सारा प्यार भेजा है और बहुत सारा लव भेजा है इस गाने को देखने के लिए। तो देन जल्दी वो भी इंटरनेट के जरिए आप लोग के साथ कनेक्टेड होंगी, तो देन उसकी ओर से मैं उसकी भी हाफ पे मैं आपको उसने मुझे बोला कि आप लोगों को बोलने के लिए कुछ शॉट तो ऐसे थे कि एक शॉट अभी इसमें नहीं हमने यूज़ किया, मैं बोला था यार एक सर कर लेंगे, मैं एक होता ना एक सपोर्टिंग किया केक वाला शॉट था तो पूरा केक बट लाइक मैं आप लोगों को पता है कि मैं स्टाइलिंग भी करती हूँ, तो इन दोनों का लुक भी मेरे लिए एक बहुत चैलेंजिंग भी था, हर बार चैलेंजिंग होता है क्योंकि दोनों इतने क्यूट हैं, बबली क्यूट है, क्योंकि हमारी ये सॉन्ग के लिए हमें क्यूट ही चाहिए थे। और टच उट आप लोग देख रहे हैं कितना क्यूट है, और हमारे जो फीमेल आर्टिस्ट हैं ये भी क्यूट थे, तो दोनों का परफेक्शन लुक देखना आप लोगों ने गाने में देखा है कि दोनों कितने अच्छे दिख रहे हैं। तो देन मैंने बहुत अपना 100% दिया लुक के लिए भी क्योंकि बहुत अच्छे दिखे, और बहुत कम मेल एक्टर्स होते हैं जो ऐसे चैलेंजिंग करते हैं। अब सडनली वहाँ पे सीन आ गया क्योंकि मुंह पे पूरा केक देना है, तो देन ही इज़ अ वेरी ऑसम एंड टैलेंटेड, और बोले कि नहीं सर मैं कर लूँगा, मतलब लाइक कभी भी इन्होंने कोई चीज़ में कोई टैंट्रम्स या कोई ना नहीं भरी कि मैं कर लूँगा। दैट इज़ अ मतलब लाइक अप्रिशिएट कि इनके अंदर में भी वो पैशन जुनून है करने के लिए कोई भी चीज़, तभी इंसान आगे भी सक्सेस होता है। तो थैंक यू सो मच। कास्टिंग की है, इनको कैसे तलाश किया? हाँ कास्टिंग में हमें बहुत टाइम लगा, इसका भी एक अलग स्टोरी है। कास्टिंग आई लाइक टू स्पेशल मेंशन मंजरी सक्सेना, वो आज है नहीं यहाँ पे, हाँ जी, शी इज द वन हु रेफर्ड मी टू नताशा। And वो हमारी बहुत ही क्लोज फैमिली फ्रेंड हैं और हमारा पूरा पीआर मैनेजमेंट वो हैंडल करती हैं, और आज उनको भी आना था बट वो भी किसी कारण नहीं आ पाई हैं। तो देन उन्होंने मैंने उनको बहुत बार बोला था कि मुझे एक क्यूट एक्टर चाहिए जो देखने में भी अच्छा हो ऑन स्क्रीन में भी अच्छा लगे, तो देन वो मेरे पास लेके क्योंकि और ये हमें मिल गए, तो थैंक्स टू स्पेशली तो थैंक्स टू हर क्योंकि हमें मेल एक्टर उनके थ्रू मिला। अरे वो तो सब भाई हैं हमारे, हम पीछे इनका सपोर्ट करते हैं, ये नहीं है तो कुछ नहीं है मेरे लिए, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैन बैकबोन है मेरा। नहीं सेट पे तो ऐसा होता है कि अगर नहीं आवाज सुने तो ऐसा लगता है कि भाई क्या हो गया, तो ऐसा वाला है, और ज्यादा तकलीफ मैं ही देता हूँ। अभी क्या होता है ना कि सब लोग अपने कामों में स्ट्रेस रहते हैं, तो किसी को बहुत साउंड से जोर से बोलना पड़ता है तो ही काम होता है, तो इस मामले में मैं बहुत थोड़ी दबंग टाइप की हूँ, तो इसलिए मैं हमेशा सेट पे थोड़ा ताव दिखा देती हूँ, तो काम मेरा जल्दी जल्दी हो जाता है, बट बहुत अमेजिंग लगता काम करके। बट आई टर्न आउट टू बी एन एक्टर, सो दैट इज द शॉर्ट वर्जन एकदम मेरी स्टोरी का, इतना ही है। इट्स बीन 4 इयर्स इन मुंबई नाउ एंड बहुत सारे काम करके ऐसी चीज़ें चल रही हैं। Who's my favorite in Bollywood? The Khans are the favorite, sir. तो सिंगर तो नहीं आज जैसे आपने कहा म्यूजिक के लिए आए थे, अगर गाने की दो लाइनें आप गुनगुना दे आपकी आवाज बनता है बनता है। सर दो लाइन तू लग जागले सोने आ, तू लग जागले सोने आ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, तू लग जागले सोने आ। क्या बात,